प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। ये भी बताया जा रहा है कि करीब 7 घंटे लंबी चलने वाली इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी मंत्रालय के 2 साल के कामकाज की समीक्षा होगी। प्रधानमंत्री मंत्रालय से इस बात की जानकारी लेंगे कि पिछले 2 साल में आवंटित फंड का किस तरह से इस्तेमाल हुआ है, जनहित के कितने काम शुरू हुए हैं और आम जनता और देश को क्या फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री की बैठक आज शाम 4 बजे शुरू होगी जो रात 9 बजे तक चलेगी। तो ये बताया जा रहा है कि ये पूरी कवायद मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल को लेकर है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। इसके साथ ही कई मंत्रियों की मोदी मंत्रिमंडल से छुट्टी करने की भी तैयारी है। तो सूत्रों के मुताबिक 10 मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, जबकि कई नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। यूपी से 5 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। बुधवार देर रात बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की। दरअसल प्रधानमंत्री 5 जुलाई को दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर जा रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इस दौरे से पहले कैबिनेट में फेरबदल संभव है। तो 2 साल में फंड का किस तरह से इस्तेमाल हुआ, कैसे कामकाज को आगे बढ़ाया गया, ये तमाम चीजें इस बैठक में रखी जाएंगी, बातचीत होगी। और ये समझा जा रहा है कि कैबिनेट में जो फेरबदल हो सकता है वो शायद इसी आधार पर किया जाए।